शिव और शक्ति के मिलन का त्योहार महाशिवरात्रि अब दूर नहीं है। 8 मार्च 2024 को फाल्गुन माह के कृष्ण की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन का भक्त साल भर इंतजार करते हैं और करे भी क्यों नहीं। इस दिन श्रद्धा भक्ति से की गई पूजा कई गुना ज्यादा फलदायी जो होती है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भक्त उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। इस दिन व्रत का बहुत महत्व होता है, इसलिए आज के दिन के व्रत के भी खास नियम होते हैं। तो कैसे करें महाशिवरात्रि का व्रत और व्रत के दौरान किन नियमों का करें पालन, व्रत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम इस वीडियो में बताएंगे। धर्म के जानकारों के मुताबिक आम दिनों के मुकाबले महाशिवरात्रि वाले दिन की शुरुआत ही अलग तरीके से होती है। उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना होता है। स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने और शिव जी के नाम से व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प के साथ महाशिवरात्रि वाले दिन की शुरुआत करें। व्रत के दौरान फलाहार चीजें ही खाएं, ऐसे में आप फल, साबूदाने की खिचड़ी, मेवा, मखाना का सेवन कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का गलती से भी सेवन ना करें और ना ही इस तरह के भोजन घर में बनाएं। फलाहार भोजन में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत वाले दिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दिन में ना सोएं, सोने से शिव जी की कृपा नहीं मिलती है। रात्रि में भी शिव जी का भजन करके जागरण करना चाहिए। इस दिन पति और पत्नी को साथ मिलकर शिव जी के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। तमाम नियमों के साथ व्रत करने के बाद अगर आपने इस दिन कुछ खास उपाय कर लिए तो यकीन मानिए आपकी मुरादें जरूर पूरी होंगी। जैसे कि आपको सबसे पहले एक थाली सजानी है, उस थाली के अंदर महिलाएं हैं साड़ी पहनकर जानी है, पुरुष हैं तो धोती पहनकर जाइए। किसी कारण से अगर आप धोती नहीं पहन सकते तो साफ सुथरे कपड़े तो जरूर पहन कर जाएं। इस थाली के अंदर कुमकुम होनी चाहिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ माँ पार्वती को लगानी है। हल्दी होनी चाहिए जो सिर्फ माँ पार्वती को लगानी है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कुमकुम और हल्दी महादेव पर अर्पण नहीं किए जाते। महादेव के लिए चावल रखिए। महादेव के लिए आपको पंच अमृत बनाना है, यानी कि दूध, दही, शहद, चीनी और घी, इन सबको एक साथ मिलाकर एक लोटे में डालना है और महादेव पर अर्पण करना है। गंगा जल अर्पण करना है महादेव पर। बेलपत्र जरूर रखने हैं, सीजन के जो फल आए हुए हैं वो रखने हैं, पुष्प रखने हैं। पुष्प में भी केतकी का फूल भगवान पर अर्पण नहीं किया जाता। भगवान पर साबुत नारियल तो अर्पण किया जाता है, लेकिन भगवान पर कभी भी नारियल का पानी अर्पण नहीं किया जाता। माँ के लिए चुन्नी, चूड़ियाँ, सुहाग का सामान, मेहंदी, कुमकुम, हल्दी अर्पण जरूर की जाती है। महादेव के ऊपर गन्ने का रस भी अर्पण किया जाता है। तो इस तरह से अपनी पूरी थाली को सजाइए और मंदिर जाइए और जब भी महादेव के दिए जलाएं, 5 दिए जलाएं और घी के दिए जलाएं, बहुत उत्तम रहेगा और घंटी जरूर बजाएं। महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजा किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में ये जप करना संभव ना हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जप से विशेष पुण्य मिलता है। इसके अलावा उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर बेहद प्रसन्न होते हैं, इसलिए रुद्राभिषेक हमेशा व्रत धारण करके ही किया जाता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।